गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अनिल के शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओरेकल टेक इंडिया। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि डेटाबेस में मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल, बफर मैनेजर और रिकॉर्ड किसे कहते हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बीच बीच में मिलता रहे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। फाइल टाइप, तो यहाँ पे देखेंगे कि डेटाबेस के एनवायरनमेंट में जो है कौन कौन सी फाइल्स यूज होती है। तो बेसिकली अगर डेटाबेस की टेक्नोलॉजी की बात करें तो डेटाबेस टेक्नोलॉजी लाइक 11G या फिर 12C में जो है डेटाबेस की जो फाइल होती है वो कंट्रोल फाइल होती है, रीडो लॉग फाइल होती है, डेटा फाइल होती है, आपका जो है अर्काइव फाइल होती है। तो ये जितनी भी फाइल्स है, इन फाइल्स को मैं जब 11G या फिर 12C का डेटाबेस आगे पढ़ाऊंगा तो ये सारी फाइल्स मैं वहीं पे समझाऊंगा। बट यहाँ पे देखेंगे कि डेटाबेस एनवायरनमेंट में प्योरली कौन सी फाइल यूज होती है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फाइल्स, तीन टाइप्स की फाइल होती है दैट आर यूज्ड इन डेटाबेस एनवायरनमेंट, जो डेटाबेस के एनवायरनमेंट में यूज होती है। तो पहली फाइल जो है वो है मास्टर फाइल। तो मास्टर फाइल क्या होती है? ड्यूरिंग डेटाबेस डिजाइन, जब हम डेटाबेस की डिजाइनिंग करते हैं तो सबसे पहले द मास्टर टेबल्स आर डिजाइन फर्स्ट। तो सबसे पहले मास्टर टेबल को डिजाइन किया जाता है, सबसे पहले मास्टर फाइल की डिजाइनिंग की जाती है। तो सिंस द पर्पस ऑफ मास्टर टेबल्स इज टू कैप्चर द बिजनेस एक्टिविटीज, तो पहले मास्टर टेबल्स को ही, मास्टर टेबल्स की ही डिजाइनिंग क्यों की जाती है? तो क्योंकि जो है मास्टर टेबल का पर्पस ये है कि जो जो भी बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है तो उस बिजनेस एक्टिविटीज में जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है तो उन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को हमें परमानेंटली कहीं पे स्टोर करके रखना होता है। तो मास्टर फाइल का काम यही है कि मास्टर फाइल क्या करती है कि बिजनेस एक्टिविटीज में से जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन मास्टर फाइल में सेव की जाती है, मास्टर फाइल में स्टोर की जाती है। तो ये मास्टर फाइल इज द मेन फाइल। मास्टर फाइल जो होती है वो मेन फाइल होती है दैट कंटेन्स रिलेटिवली परमानेंट रिकॉर्ड अबाउट पर्टिकुलर आइटम्स। तो मास्टर फाइल जो होती है वो मेन फाइल होती है और वो परमानेंट रिकॉर्ड को स्टोर करके रखती है। तो परमानेंट रिकॉर्ड किसके बारे में? किसी पर्टिकुलर आइटम्स के बारे में। जैसे अगर कस्टमर के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखनी है, परमानेंट रिकॉर्ड स्टोर करके रखनी है, तो कस्टमर के रिगार्डिंग वो रिकॉर्ड, वो इंफॉर्मेशन मास्टर फाइल में स्टोर करके रखी जाएगी। एम्प्लॉई के रिगार्डिंग कोई परमानेंट रिकॉर्ड या इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखनी है तो वो मास्टर फाइल में जा करके स्टोर होगी। प्रोडक्ट, वेंडर्स, ETC के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन परमानेंटली अगर स्टोर करके रखनी है तो वो मास्टर फाइल में ही जा करके स्टोर होगी। तो मास्टर फाइल को थोड़ा और समझते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कस्टमर फाइल विल कंटेन डिटेल्स ऑफ कस्टमर सच एज कस्टमर ID, नेम एंड एड्रेस। तो हमारे पास यहाँ पे एक कस्टमर फाइल है, तो वो कस्टमर फाइल जो है इसको जो है मैंने मास्टर फाइल बनाई है। तो कस्टमर फाइल को मैंने मास्टर फाइल बनाई है तो ये कस्टमर फाइल जो है परमानेंट रिकॉर्ड को स्टोर करके रखेगी। तो किस तरह के रिकॉर्ड को स्टोर करके रखेगी, किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगी? तो ये कस्टमर फाइल जो है कस्टमर के डिटेल्स को स्टोर करके रखेगी, जैसे कि कस्टमर की ID क्या है, कस्टमर का नाम क्या है और कस्टमर का एड्रेस क्या है। तो कस्टमर की आईडी, नेम और एड्रेस जो है परमानेंटली जहां पर स्टोर होगी वो होगी
कस्टमर फाइल में जिसको हमने मास्टर फाइल बनाई है। नेक्स्ट जो है, अब अगर हमें मास्टर फाइल में कुछ अपडेशन करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है ताकि वो परमानेंटली स्टोर हो करके, मतलब परमानेंटली जो है स्टोर हो सके, तो मास्टर फाइल को अपडेट करने के लिए हम ट्रांजेक्शन फाइल को यूज़ करते हैं। तो द डेटा इन ट्रांजेक्शन फाइल्स इज़ यूज टू अपडेट द मास्टर फाइल्स। तो मास्टर फाइल्स को अपडेट करने के लिए ट्रांजेक्शन फाइल को यूज़ करते हैं। ट्रांजेक्शन फाइल में जो डेटा होती है उसको यूज़ करके मास्टर फाइल को अपडेट करते हैं। तो कैसे? तो मास्टर फाइल का मतलब है कि मास्टर टेबल में, मास्टर वाले डेटाबेस के टेबल में एक कॉलम तो प्राइमरी की वाला कॉलम होगा, और फिर जो है ट्रांजेक्शन वाले टेबल में, ट्रांजेक्शन वाले फाइल में भी एक कॉलम प्राइमरी की वाला ही कॉलम होगा, और मास्टर फाइल का वो प्राइमरी की वाला कॉलम, ट्रांजेक्शन फाइल का ये प्राइमरी की वाला कॉलम दोनों सेम होंगे, जिससे मास्टर फाइल और ट्रांजेक्शन फाइल दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और डेली बेसिस पे जो भी ट्रांजेक्शन होंगे तो उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके रखा जाएगा ट्रांजेक्शन फाइल में, और उस ट्रांजेक्शन फाइल से अगर कोई इन्फॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर करके रखने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से फिर मास्टर फाइल को अपडेट करेंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन मास्टर फाइल में जा करके परमानेंटली स्टोर हो जाएगी। तो ये था मास्टर फाइल के बारे में। अब देखते हैं कि ट्रांजेक्शन फाइल क्या है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो इट ट्रांजेक्शन फाइल इज यूज टू होल्ड डेटा ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। तो ट्रांजेक्शन फाइल में वो डेटा या वो इन्फॉर्मेशन सेव की जाती है जो डेली डे टू डे एक्टिविटीज में जनरेट हो रही है। तो कैसे, आगे देखते हैं तो समझ में आएगा। द फाइल इज लेटर यूज टू अपडेट द मास्टर फाइल। तो ट्रांजेक्शन फाइल को यूज करते हैं आगे चल करके मास्टर फाइल को अपडेट करने के लिए, जैसा कि मैंने अभी बताया है। एंड और ऑडिट डेली, वीकली और मंथली ट्रांजेक्शन। और ट्रांजेक्शन फाइल को यूज करते हैं डेली बेसिस पे, वीकली या मंथली बेसिस पे ट्रांजेक्शन की ऑडिट करने के लिए, ट्रांजेक्शन को चेक करने के लिए कि डेली कौन-कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है, या वीकली एक वीक में कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, या एक महीने में कितने ट्रांजेक्शन हुए। तो ट्रांजेक्शन का यहाँ पे मतलब है कि सेल्स वगैरह कितनी हुई है। जिसको एग्जाम्पल में समझते हैं तो समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल इन ए बिजी सुपर मार्केट, तो मान लेते हैं कि एक सुपर मार्केट है, तो उसमें डेली सेल्स आर रिकॉर्डेड ऑन ट्रांजेक्शन फाइल। तो उस सुपर मार्केट में डेली कितनी सेल्स हुई है, तो हर रोज की सेल्स को रिकॉर्ड करके रखा जाता है ट्रांजेक्शन फाइल पे। एंड लेटर यूज टू अपडेट द स्टॉक फाइल। और बाद में जो है उस ट्रांजेक्शन फाइल को यूज करके स्टॉक फाइल को अपडेट कर दिया जाता है। स्टॉक फाइल यहाँ पे मास्टर फाइल है, तो मास्टर फाइल को अपडेट कर दिया जाता है, मास्टर फाइल को अपडेट कर लेते हैं ट्रांजेक्शन फाइल को यूज करके। द फाइल इज ऑल्सो यूज बाय द मैनेजमेंट टू चेक ऑन द डेली और पीरियोडिक ट्रांजेक्शन। टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं कंपनी में, तो वो मैनेजर्स भी जो है ट्रांजेक्शन फाइल को यूज़ करते हैं टू चेक चेक करने के लिए ऑन द डेली और पीरियोडिक ट्रांजेक्शन, कि डेली कितनी ट्रांजेक्शन हुई, डेली कितनी सेल्स हुई है, या फिर पीरियोडिक मतलब एक वीक में या एक मंथ में चेक कर लेते हैं कि कितनी ट्रांजेक्शन हुई है। तो ये सब चेक करने के लिए टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट है, टॉप लेवल के जो मैनेजर है, वो भी ट्रांजेक्शन फाइल को यूज करते हैं। तो ये था ट्रांजेक्शन फाइल के बारे में। अब देखते हैं रिपोर्ट फाइल क्या है। तो रिपोर्ट फाइल इज ए फाइल दैट इज क्रिएटेड बाय एक्सट्रैक्टिंग रेलिवेंट और डिजायर्ड डेटा आइटम्स इन रिकॉर्ड टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट फाइल जो होती है, रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए रिपोर्ट फाइल बनाते हैं। तो रिपोर्ट फाइल बनाने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, तो उन उन इन्फॉर्मेशन को अलग अलग टेबल से
जो है एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है और उसके बाद रिपोर्ट फाइल तैयार की जाती है। तो आगे जब 11G या 12C का मॉड्यूल्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे, नहीं, आगे जब मैं डेटाबेस की टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं जो है फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं डेटाबेस में, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, तो वहाँ पे पूरा का पूरा एक रिपोर्ट क्रिएट करने का पूरा एक मॉड्यूल है, एक सब्जेक्ट है, तो उसमें हम जो है तरह तरह की रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं, तो वही सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो रिपोर्ट फाइल कैसे बनाते हैं इसको वहाँ पे हम डिटेल्स में देखेंगे। बफर मैनेजमेंट, तो इस स्लाइड में अब समझते हैं कि बफर मैनेजमेंट क्या है। तो ए बफर इज द पार्ट ऑफ मेन मेमोरी। तो बफर जो है ये मेन मेमोरी का पार्ट है। तो कंप्यूटर में तीन स्टोरेज डिवाइसेस होती है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस और टर्टियरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में जो है मेन मेमोरी होती है, तो उस मेन मेमोरी में आपका रैम आता है, रोम आता है, एस रैम, डी रैम, ये सारी चीज़ें आती है। तो इसी मेन मेमोरी में जो है बफर भी होता है, तो इसलिए बफर क्या है, मेन मेमोरी का पार्ट है। और ये बफर जो है दैट इज अवेलेबल फॉर स्टोरेज ऑफ कंटेंट्स ऑफ डिस्क ब्लॉक्स। तो ये बफर जो है ये अवेलेबल होता है डिस्क ब्लॉक्स के कंटेंट्स के स्टोरेज के लिए। दैट मीन्स कि जो फाइल्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो हम डायरेक्ट मेन मेमोरी में सेव नहीं करते हैं, वो सेव होती है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में, जैसे कि हार्ड डिस्क वगैरह पे वो सेव होती है। तो उस इन्फॉर्मेशन या उस फाइल पे अगर हमें कोई कंप्यूटर पे अगर हमें कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, कोई प्रोसेसिंग करनी है, तो क्या होता है कि उस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यानी कि हार्ड डिस्क पे जो इन्फॉर्मेशन या फाइल पड़ी हुई है, वो पूरी की पूरी फाइल, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन उठ करके मेन मेमोरी में नहीं आती है, बल्कि स्मॉल पोर्शन जो है वहाँ से उठ करके मेन मेमोरी में आती है, लेकिन डायरेक्ट मेन मेमोरी में भी नहीं आती है, वो स्मॉल पोर्शन उठ करके सबसे पहले बफर के पास आती है। तो बफर क्या करता है, उस स्मॉल पोर्शन को एक स्टोरेज प्रोवाइड करता है, एक स्पेस प्रोवाइड करता है। तो इसी को बोला गया है कि बफर इज अवेलेबल फॉर द स्टोरेज ऑफ कंटेंट्स ऑफ डिस्क ब्लॉक, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है वहां से जो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन उठ करके आती है उसको बोलते हैं कंटेंट्स ऑफ डिस्क ब्लॉक्स। तो उसको क्या करता है, बफर एक स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करता है। तो व्हेन सेवरल ब्लॉक्स नीड टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिस्क टू मेन मेमोरी। अब जो है मान लीजिए कि सेवरल ब्लॉक्स को, यानी कि वो जो फाइल, जो इन्फॉर्मेशन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे पड़ी हुई है उस पर कोई प्रोसेसिंग करनी है, तो जो है मेन मेमोरी में जो ब्लॉक्स उठ करके आएंगे तो वो एक ब्लॉक नहीं, मान लेते हैं सेवरल ब्लॉक्स या सेवरल छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन जब उठ करके वहाँ से आएंगे मेन मेमोरी में, तो वो पहले बफर के पास जाएंगे। तो यहाँ पे बफर एक नहीं बल्कि सेवरल बफर्स जो है रिजर्व हो जाएंगे उन सेवरल ब्लॉक्स को स्पेस प्रोवाइड करने के लिए मेन मेमोरी में, ताकि जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से मेन मेमोरी में जो सेवरल ब्लॉक्स आ रही है फिर जा रही है, तो आने जाने के लिए जो है इसके ट्रांसफर में क्या होगा, एक स्पीडअप बन पाएगा, मतलब इसके ट्रांसफर जो है डेटा का जो ट्रांसफर होगा वो बहुत स्पीड से होगा सेवरल बफर्स के यूज होने से। तो वाइल वन बफर इज बीइंग रेड और रिटर्न द सीपीयू कैन प्रोसेस डेटा इन द अदर बफर। तो सेवरल बफर्स
जब रिजर्व हो जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक बफर में तो डेटा को रीड और राइट करने का काम लिया जाता है, तो सीपीयू क्या करता, उसी टाइम पे कुछ दूसरे डेटा को दूसरे बफर में सेंड कर देता है। तो इस तरीके से सेबरल बफर्स को यूज़ में लाया जाता है। तो ये तो था कि बफर क्या है। नाउ कम टू द बफर मैनेजर। अब समझते हैं कि बफर मैनेजर का क्या काम है। तो बफर मैनेजर इज़ द सॉफ्टवेयर लेयर। तो बफर मैनेजर क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर का लेयर है दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ डेटा बिटवीन मेन मेमोरी एंड डिस्क स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज। तो बफर मैनेजर का क्या काम होता है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि हार्ड डिस्क वगैरह से कोई भी इंफॉर्मेशन उठ करके मेन मेमोरी में आएगी तो इंफॉर्मेशन को वहां से लाने और ले जाने का मतलब मूवमेंट ऑफ डेटा बोलेंगे इसको। तो इस मूवमेंट ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन को वहां से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से लाने का और फिर ले जाने का जो काम है, ये सारा काम करता है कौन, बफर मैनेजर। बफर मैनेजर ही क्या करेगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से इंफॉर्मेशन को उठा करके बफर में रखेगा, फिर बफर से इंफॉर्मेशन उठा के थोड़ा थोड़ा करके मेन मेमोरी को देगा, फिर मेन मेमोरी से दोबारा बफर में जो है प्रोसेस डेटा को रखेगा, फिर प्रोसेस डेटा को फिर उठा करके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे ले जाएगा। तो ये सारा काम जो है बफर मैनेजर का होता है। तो बफर मैनेजर ट्रांसफर्स एप्रोप्रिएट पोर्शन ऑफ द फाइल इन यूनिट्स ऑफ डिस्क ब्लॉक्स इन द बफर ऑफ मेन मेमोरी। तो बफर मैनेजर क्या करता है, एप्रोप्रिएट पोर्शन ऑफ द फाइल्स यानी कि फाइल्स की कुछ इंफॉर्मेशन, एप्रोप्रिएट पोर्शन ऑफ द फाइल, फाइल का जो है कुछ छोटा सा एप्रोप्रिएट पोर्शन, छोटा सा टुकड़ा कह सकते हैं हम, उस टुकड़े को उस छोटे से इंफॉर्मेशन को जो है डिस्क ब्लॉक्स के यूनिट्स में फाइल मैनेजर सॉरी बफर मैनेजर क्या करता है, बांट देता है और बांट करके फिर मेन मेमोरी के बफर में लेकर के आता है। तो बफर मैनेजर मैनेजेस द एलोकेशन ऑफ द बफर स्पेस इन द मेन मेमोरी। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से मान लीजिए सेबरल ब्लॉक्स को बफर मैनेजर वहां से फेच करके ला रहा है, तो सेबरल ब्लॉक्स के लिए जो है बफर में जो है सेबरल बफर स्पेस भी बफर मैनेजर ही एलोकेट करेगा, प्रोवाइड करेगा रिकॉर्ड। तो अब जो है इस स्लाइड में समझते हैं कि रिकॉर्ड क्या है। तो ए फाइल इन डेटाबेस इज कॉल्ड टेबल। तो डेटाबेस में फाइल को टेबल कहते हैं। तो टेबल का क्या यूज है, तो कंपनी की जितनी भी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है उन इंफॉर्मेशन को टेबल में सेव करके रखा जाता है। तो टेबल जैसे कि कोई एम्प्लॉय टेबल है तो उस एम्प्लॉय टेबल में जो है एम्प्लॉय के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रखी जाती है। डिपार्टमेंट टेबल है तो डिपार्टमेंट टेबल में कंपनी के डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रखी जाती है। तो ये सब क्या है, टेबल है, और इन्हीं टेबल को डेटाबेस में फाइल बोलते हैं। तो नीचे हमारे पास एक टेबल है, टेबल का नाम है एम्प्लॉय टेबल। तो इस एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, ये क्या है, ये कॉलम्स नेम है, फील्ड नेम है, ईएमपी नेम, ये कॉलम्स नेम है, फील्ड नेम है, ईएमपी सैलरी, एड्रेस, डेजिग्नेशन, डीपीटी नेम, ये सब क्या है, ये सब कॉलम्स नेम है, फील्ड नेम है। तो एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास 6 कॉलम्स नेम है और इन कॉलम्स में जो है डेटा स्टोर है, इंफॉर्मेशन कंपनी की एम्प्लॉय के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो ये डेटाबेस टेबल इज कंपोज्ड ऑफ रिकॉर्ड्स। तो डेटाबेस में जो फाइल है, जो टेबल है, वो टेबल बनी हुई होती है रिकॉर्ड से। तो कैसे, यहाँ हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है और इस एम्प्लॉय टेबल या इस एम्प्लॉय फाइल में हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉय टेबल जो है वो रिकॉर्ड से बनी हुई है। तो 101 ये एक रिकॉर्ड हो गया,
102 ये दूसरा रिकॉर्ड है, 103 ये तीसरा रिकॉर्ड है, 104 ये चौथा रिकॉर्ड है, 105 ये पांचवा रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से एम्प्लॉय टेबल जो है, जो रिकॉर्ड से बनी हुई है, तो इस एम्प्लॉय टेबल में पांच रिकॉर्ड्स है। तो डेटा इज स्टोर्ड इन रिकॉर्ड्स, और इन रिकॉर्ड्स में जो है कंपनी की इंफॉर्मेशन स्टोर है, कंपनी का डेटा स्टोर है। तो एम्प्लॉय आईडी 101 में जो है ये डेटा है, ये क्या है, ये एम्प्लॉय का नाम है, 12,000 क्या है, एम्प्लॉय की सैलरी है, एक्स क्या है, एम्प्लॉय का एड्रेस है, डीबीए क्या है, एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन है, पोस्ट है, और D15 क्या है, एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट का नाम है। तो रिकॉर्ड में क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। तो इसी तरीके से जितने भी रिकॉर्ड है इनमें ये सारे डेटा है, 103 में भी ये सारे डेटा है, 105 में ये सारे क्या है, डेटा स्टोर है। अब जो है ये रिकॉर्ड इज कंपोज्ड ऑफ फील्ड्स, अब रिकॉर्ड जो बने हुए होते हैं वो फील्ड से बने हुए होते हैं, वो कॉलम नेम से बने हुए होते हैं। तो ये आपका एम्प्लॉय आईडी, ईएमपी नेम, ईएमपी सैलरी, एड्रेस, डेजिग्नेशन, डीपीटी नेम, ये कहीं ना कहीं 101 का रिकॉर्ड बनाते हैं, 102 का रिकॉर्ड बनाते हैं, 103 का रिकॉर्ड बनाते हैं, 104 का रिकॉर्ड बनाते हैं, 105 का रिकॉर्ड बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं रिकॉर्ड जो बने हुए होते हैं वो कॉलम नेम से बने होते हैं, वो फील्ड से बने होते हैं, और वो फील्ड्स जो है, वो कॉलम्स नेम जो है, वो कंटेन करता है ऑल द डेटा अबाउट वन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज, कंपनी और आइटम इन डेटाबेस। और वो जो फील्ड्स है, ये जो फील्ड्स है ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बारे में, कंपनी के बारे में, या डेटाबेस में किसी अदर आइटम के बारे में, ये क्या करते हैं, डेटा को कंटेन करते हैं, डेटा को अपने पास स्टोर करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको एम्प्लॉय टेबल में मैंने पूरा आपको अच्छी तरह से समझाया कि रिकॉर्ड क्या है, टेबल क्या है। तो फिजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन का मेरा ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डेटाबेस में इंडेक्सिंग टेक्निक क्या है, तो इंडेक्सिंग टेक्निक को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।